नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर के घर छाया मातम, रोड पर चलना हुआ दुश्वार। जी हां, इन पंक्तियों को कहने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि ड्राइवर आखिर कहां पर सुरक्षित है, कुछ समझ नहीं आता। स्क्रीन पर चलती इस वीडियो को देखिए। ड्राइवर का घर है जहाँ पर मातम पसरा हुआ है, जिसकी वजह है लुटेरों की हैवानियत। आखिर क्यों लूटपाट की वारदात हाईवेज पर बढ़ती जा रही है? क्या इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है? क्या अब ड्राइवर इस काम को करने में वो आत्मविश्वास दिखा पाएंगे? शायद नहीं। पर कहते हैं ना, ड्राइवर जो एक राही होता है, और राही का काम तो चलना है। और यही सोच लिए सुदामा अपने सफर पर चल रहे थे। उनके साथ था खलासी जगमोहन। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। झारखंड से मध्य प्रदेश पाइप लोड करके जा रहे थे। इस दौरान सासाराम बिहार में इनको महसूस हुआ कि इनकी गाड़ी में कोई आवाज आ रही है, जिसको चेक करने के लिए ये एक ढाबे के पास रुके। घटना 29 दिसंबर 2021 की है। ये वहाँ रुके ही थे कि इतने में मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग आए। ड्राइवर को क्या पता था कि मोटरसाइकिल पर सवार ये लोग ड्राइवर के लिए काल बन के आए हैं। ट्रक के पास वो लोग आए, मोटरसाइकिल से उतरे और दो लोग ट्रक पर चढ़ जाते हैं, एक खलासी साइड से और एक ड्राइवर साइड से। इन्होंने पैसे की मांग की, ड्राइवर ने मना कर दिया। इतने में तीसरे शख्स जो कि नीचे खड़ा था, वहां से आदेश आया इनको गोली से उड़ाने का, और इन्होंने किया भी कुछ वैसा ही। ड्राइवर को गोली मार दी, जिसकी मौके पर मौत हो गई। खलासी पर भी गोलियां चलाई गई, लेकिन गोली उनके हाथ पर लगी। इस वारदात को अंजाम देकर लुटेरे वहां से फरार हो गए। ढाबे वाले ने पुलिस को सूचित किया, उसके बाद जख्मी खलासी को अस्पताल भेजा गया। घर वालों को इसकी सूचना मिली तो घर पर मातम छा गया। सुदामा, जिसकी इस हमले में मौत हो गई, वो अपने पीछे एक माँ, एक छोटा भाई और पत्नी को छोड़ गए। अब उनका घर कैसे चलेगा, ये एक सवाल है। क्या इन लुटेरों के दिल नहीं होते? क्या ये इंसानियत को त्याग चुके होते हैं? क्या इनका परिवार नहीं है? क्या इनको किसी अपने का खोने का दर्द मालूम है? आखिर क्यों ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। अब ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में टीवी देखने पर हर दिन मिलेंगे इनाम। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने वाले 5 लोग हर दिन जीतेंगे 5 लीटर डीजल। और हाँ, जो सबसे ज्यादा महीने भर ट्रांसपोर्ट टीवी देखेगा, उसे मिलेगा एक शानदार एलईडी टीवी। यानी कि जितना ज्यादा आप टीवी देखेंगे, उतने आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे। और उन पॉइंट्स को चेक करने के लिए या ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन में जाएं। यानी अब खबरें भी और इनाम भी, ये हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम। इस इनामी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को अभी अपडेट करें।